जब हम तो हम सोचते हैं कि आज निकल कर ली परसों मिलेंगे वहां से, सोचो कि जो मां से मिलना चाहता है ना चाहकर भी मिल नहीं सकता। और उम्र का लिहाज देखो, अभी से बच्चे ने देखा ही क्या, पर जिसका कोई नहीं उसका रब होता है, पर माँ है तो कदर कर लो। क्यों वो जीने पानी पूरी बलिदाता करे कि अपनी औलाद को हमें खुश रखे, पर अगर माँ एक नवाला भी मुंह में डाल दे ना तो शायद उसका पेट भर जाता है। और माँ क्या होती है आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। माँ क्या है सुनो, सूखे बूटे फूल नैया खेड़ेदा, वो सूखे बूटे फूल नैया खेड़ेदा, ओ इस दुनिया में नहीं मिलना। अभी सब कह रहे होंगे कि बेटा मैं हूं ना, मैं भी कह रही कि मैं हूं ना, पर मैं कुछ पल का ही प्यार दे पाऊंगी। जो माँ प्यार देती है ना शायद माँ से बढ़कर कोई नहीं। हर औरत माँ बनने की कोशिश करती है पर अपनी माँ के बराबर प्यार कोई नहीं दे सकता। क्यों ओ कोई पगी दीवे नहर जांदी, ओ कोई पगी दीवे नहर जांदी, ओ जिंदड़ी मेरा नदी की मां जी ना देवे मर जांदी, ओ जिंदड़ी में ओ नदी माहौल हो बच्चा जितनी मर्जी विपता में क्यों ना एक बार माँ हाल पूछ लेना तो शायद सरकार हो जाएगा हो जाता है। पर लाइन से नहीं दुखी हो गए कोई पूछता नहीं, वो दुखी हो गए कोई पूछता नहीं, सच्चा रिश्ता काश माँ होती तो हर खुशी देते। पर इस भेंट की अंतिम लाइन सुनिएगा ध्यान से, जो माँ बाप अपनी औलाद को दूध के घूंट पिला करके पैदा करती है ना, पालन पोषण करके बड़ा करती है, पर वही माँ बाप पानी के घूंट को तरस जाते हैं। समय कितना बदल गया है, समय इतना बदल गया है कि आजकल बच्चों के पास माँ बाप के गुजारे के लिए पैसे नहीं है। बोले सच्चे दरबार की, और जिस माँ बाप ने औलाद के लिए महल खड़ा कर दिया वही बच्चे माँ बाप को आश्रम में छोड़ कर आ रहे हैं, या अगर दो तीन भाई है तो हिस्सेदार दिया माँ बाप ने कि जा एक महीना तू यहाँ रह ले एक महीना तू यहाँ रह ले, माँ बाप को अलग अलग कर दिया। पर चाहे खर्चा दे पाओ ना दे पाओ पर माँ बाप की जोड़ी बुढ़ापे में मत भी छोड़ो। क्यों हो माना गवा पड़ी, हो माना गवा पड़ी, हो या दुख रब बदना क्या बने दी में माँ पड़ी, या दुख रब माँ कहती है बेटा थोड़ी देर आजा मेरे तेरी भाभी मेरे से बात नहीं करती,
तेरी भाभी तो क्या बात करेगी, पर पोते पोतियों को भी छुपा लेती है कमरे में। मन होता है कि थोड़ा सामान बहल जाए पोते पोतियों के साथ, पर बहू दादी ने तो क्या बात करनी, पर बच्चों से भी बात नहीं करने देती। बेटा तू ही आ जा, थोड़ी देर मिल जाना। हम बेटियां हिमा, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सारा स्कूल बिगड़ जाता है घर का। पर सोचो जब माँ नहीं रहती है ना, सबसे ज्यादा बेटियां रोती है, सारा गांव इकट्ठा कर देती है। गांव वाले कहते कि बेटी आ गई, अब बेटियों को संभालना मुश्किल होगा। उस समय रोने से अच्छा है कि जब माँ जिंदा है तो पूरा दिन नहीं थोड़ी देर खड़ी मिल रहा। पर आजकल की बेटियां अपने बाप से शिकायत कर रही है कि पापा मैं भी आगे बेटे के समान हूँ, मैं भी तेरे बेटे जैसी तेरे आंगन में पैदा हुई हूँ, फिर तेरे बेटे को अच्छा घर क्यों और मुझे पराया गया क्यों। आज बेटियां लड़ाई कर रही है क्यों, सुने मत रखना, जैसा मर्जी माहौल हो तो जीके बताना। सोचो हम बेटियां जाए तो जाए कहां, हम बेटियां चाहकर भी अपनी दिक्कत नहीं बताते क्यों, कि हमारे माँ बाप दुखी ना हो। दूसरी बात, अगर माँ बाप को पता चला या भाभियों को पता चला तो हमारे माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाएगा। पर बेटियां रोते रोते बाप की तरफ एक नजर बाप इसको पता नहीं कैसा घर मिलेगा, इसका शौक पूरा करवा दे, दे दे कोई ना, मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा पर इसके शौक पूरे कर दे। पर बेटी रोते रोते कहती, पापा मेरी माँ छूट गई, मेरी बहन छूट गई, मेरी सखियां छूट गई, मेरी प्यारी प्यारी यादें इस घर से छूट गई, मेरी हिम्मत नहीं इस घर से निकलने की, हो सके तो अपने हाथ से विदा कर दे। और बेटी रोते रोते क्या कहती, जब आप काम से आते ना, जब आप ऑफिस से आते, जब आप ड्यूटी से आते तो कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। अगर आंगन में आपको आपकी बेटी नहीं दिखती तो आप घर सर पे उठा लेते कि मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ गया। अब सोचो मेरी विदाई के बाद आप किसको ढूंढोगे, किसको आवाज लगाओगे जो फटाफट पानी का गिलास लेके आपके सामने आ जाती है। पर उधर बेटी रोती, उधर बाप रोकर क्या कहते हैं, बाबुल में तेरी मलिका टुकड़ा तेरे दिल का दहलीज़
अपने माँ बाप के लिए जोरदार लगाओ।